नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है लारिवो इंजेक्शन। आज हम इसके यूज़र्स के बारे में जानेंगे, इस इंजेक्शन को मलेरिया में किस तरह यूज़ किया जाता है और किस कंडीशन में इस इंजेक्शन को हमें यूज़ करना है, तो उसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो का नया अपडेट आपको जल्द ही मिल सके। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक एंटी मलेरिया इंजेक्शन है, या जिन पेशेंट को मलेरिया हो जाता है या मलेरिया की शुरुआत होती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ में लाया जाता है। तो इसके मैं कंपनी के बारे में बता दूँ थोड़ा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांडिंग इसकी लारिया को, इसका कंटेंट है क्लोरोक्यून फॉस्फेट इंजेक्शन IP। तो इप्का कंपनी इस इंजेक्शन को बनाती है, यहाँ पर भी देख सकते हैं इप्का लेबोरेटरीज LTD तो इस प्रोडक्ट को बनाती है, और इसका MRP बहुत ही कम है, 29 रुपये 70 पैसे। और ये 30 ml की वाइल में इंजेक्शन आता है, ये देखिए इस तरह का। तो दोस्तों हमें इसके यूज़र्स के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या यूज़र्स है, इसको मलेरिया में किस दौरान लेना है। तो ये मैं बता दूँ, एंटी मलेरिया इंजेक्शन ये मलेरिया के लिए ही यूज़ किया जाता है। अगर फ्रेंड आपने टेस्ट कराया है तो आपका MP पॉजिटिव आ चुका है, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को यूज़ में ला सकते हैं। तो आपको किसी तरह का भी मलेरिया होता है तो मैं एक बारी में आपको बता दूं, सॉरी, मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आपको मलेरिया की शुरुआत है तो आपको सिर में दर्द होगा, हाथ पैर टूटेंगे, हाथ पैर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा, पेट में दर्द भी हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, और बुखार ठंड लगा के आ सकता है। तो ये सिम्टम मलेरिया के हैं, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ में लाया जाता है। तो फ्रेंड मैं बता दूँ ये इंजेक्शन कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों ये बॉडी वेट पे यूज़ करता है, मतलब बॉडी जितना बॉडी का वेट होगा बॉडी वेट अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है, पर बॉडी KG के हिसाब से। तो उस दौरान इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे आपका वेट है 70 समथिंग, तो आप इसको 4 ml में यूज़ कर सकते हैं, 3 ml में। जैसे जैसे बॉडी का वेट कमेगा तो इस इंजेक्शन के ml भी कम जाएंगे, मतलब कितना डोज लेना उतना डोज भी कम जाएगा। तो फ्रेंड इसको मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, बिना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मत यूज़ करें इसका, और बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल यूज़ ना करें। ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, बिना डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं आपको यूज़ करना इसका, इस इंजेक्शन को। तो फ्रेंड इसके साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ, अगर इस इंजेक्शन को लेते हो आप तो आपका मुंह सूख सकता है, या जलन हो सकती है पेट में, या आपको चक्कर आ सकते हैं एकदम, और या उल्टी मितली ऐसा कुछ होगा, या घबराहट वगैरह हो सकता है। तो इसके यही यूज़र्स हैं और साइड इफ़ेक्ट। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।